हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हेल्दी ब्रेकफास्ट और बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है और इसे हम कम समय और बिल्कुल कम ऑयल के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। चलिए फिर फटाफट हम इसे तैयार कर लेते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल और इसके अंदर हम डालेंगे किसी भी कटोरी से आप इसके अंदर एक कटोरी सूजी डालेंगे और इसमें हम एक कटोरी ही डालेंगे बेसन। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज, एक शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे दो जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, और टमाटर डालेंगे इसके अंदर, इसका बीज जो है हमने निकाल दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, जीरा डालेंगे आधा चम्मच, और हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम लेंगे लौकी और इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। हम लेंगे एक कटोरी लौकी जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। लौकी को हम बॉल में डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ज़रूरत के अनुसार और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे और 10 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। हमारा बेटर जो है बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा, 1/4 चम्मच डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसके अंदर हम जो हमने बेटर हमने बना के रख रखा है उसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब हम लेंगे एक पतीला, पतीले के अंदर पानी हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसके अंदर डालेंगे एक बॉल, चाहे आप कोई सा भी स्टैंड डाल सकते हैं। और इसे जो बैटर हमने तैयार किया है प्लेट, इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। पतीले के ऊपर हम लगा देंगे केप और इसे ढककर हम 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 20 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। एक टूथपिक के से हम इसे चेक कर लेंगे। यह बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है। अब हम प्लेट को बाहर निकाल लेंगे सावधानी से, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा गर्म है, और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जैसे ही यह ठंडा हो जाएगा हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर कट लगा लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन ध्यान रहे कि यह बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इसके अंदर कट लगा है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे राई डालेंगे और इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हींग, हींग हम थोड़ा सा डालेंगे, इससे इसका टेस्ट भी और बहुत ही अच्छे से आएगा। अब हमने जो कट लगा रखे हैं नाश्ते में वो हम लेंगे और एक एक करके इसके अंदर रख देते हैं, और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें हम ज़्यादा ऑयल से फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ही कम, यानी 1 से 2 चम्मच ही हम डालेंगे ऑयल। और इसको हम अच्छे से दोनों साइड से पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से ये ब्राउन हो जाने चाहिए, तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमारा जो लाइट ब्रेकफास्ट हमने बना के रखा है। इस तरीके से इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और यह देखिए फ्रेंड्स, हमारा हेल्दी और लाइट ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है। आप चाहे तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरा यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।